हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल बाइकर भारती दी फ्लाइंग क्वीन में स्वागत है। आज का ये लास्ट वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 7 यूनियन टेरिटरी में मेरा 7 डेज का कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैकिंग के बारे में। 24th डे में हम लोगों का 4th डे का ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ गटसर कैंपसाइट से सत्सर लेक के लिए। बर्फ से ढका हुआ पर्वत और पहाड़ों का घोड़े और वहां का बकरियों का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। कुछ घंटों का ट्रैकिंग के बाद हम लोगों को एस शेप का स्टीप पैच चढ़ाई मिला। दूर से ही देखने के लिए वो चढ़ाई बहुत ही डरावना लग रहा था। ये चढ़ाई घोड़ों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ही स्टिफनेस की वजह से कुछ घोड़े पिसल के नीचे गिर सकते हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हो उस स्टिफनेस के ऊपर चढ़ाई कैसे हो सकता है। हम लोग चॉकलेट कवर्स को और वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंकते थे, हम लोग उसको स्टोर करते थे ट्रैश बैग्स में। कुछ मिनट्स का ट्रैकिंग के बाद हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा पत्थरों का टेरेन मिला। बहुत संभाल के हम लोगों को उस बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चलना पड़ता है। मुझे ये बड़े बड़े पत्थरों का टेरेन बहुत ही मुश्किल और बहुत ही रिस्की लग रहा था। ये पत्थरों का पैच क्रॉस करने में हम लोगों को पूरा 1 घंटा लगा। पत्थरों का पैचेस को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को चढ़ना पड़ा जय माउंटेन पास, और ये पास है 13,000 फीट एल्टीट्यूड में। इस ट्रैकिंग में तीनों माउंटेन पासेस में ये लास्ट और बहुत ही छोटा सा माउंटेन पास था। ये छोटा सा माउंटेन पास होने के बाद भी हम लोगों को चढ़ाई में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। हम लोगों के लिए पूरा 1 घंटा लिया इस माउंटेन पास का टॉप रीच करने के लिए। जय माउंटेन पास टॉप पूरा बर्फ से भरा हुआ था। हम लोगों को मालूम था जय माउंटेन पास टॉप से नंदकोल और गंगबल ट्विन लेक्स का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। मौसम बहुत ख़राब होने के वजह से और बहुत बर्फ़ होने के वजह से हम लोगों को आधा घंटा वेट करने के बाद भी वो ट्विन लेक्स देखने का नज़ारा हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि वो ट्विन लेक्स का नज़ारा देखने के लिए नहीं मिला। इस तरीके से वो सुंदर सा ट्विन लेक्स दिखते हैं जो हम लोग देख नहीं पाए। उसके बाद हम लोगों ने जय माउंटेन पास से नीचे उतरने लगे। जय माउंटेन पास से नीचे उतरने का ट्रेल बहुत ही छोटा छोटा पत्थर से भरा हुआ था और बहुत ही स्लिपरी था। ये एंकल्स के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस पूरा वैली में पहाड़ों का बकरी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग कलर का पहाड़ों का बकरी और घोड़ों को एंजॉय किया। ऑन द वे में हमने बहुत सारा वाइल्ड फ्लावर्स को एंजॉय किया। हम लोगों ने रीच कर लिया सुंदर सा सत्सर लेक को, और वो लेक था 12,000 फीट एल्टीट्यूड में। इस तरीके से हम लोगों ने 4th डे गटसर लेक से सत्सर लेक तक 6 आवर्स में 9 किलोमीटर्स चल के ट्रैकिंग कंप्लीट किया। 25th डे में एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने 5th डे का ट्रैकिंग स्टार्ट किया। कुछ घंटों का ट्रैकिंग के बाद हम लोगों ने एक सुंदर सा और एक बहुत ही बड़ा नंदकोल लेक देखा, और ये लेक था 11,500 फीट एल्टीट्यूड में। कुछ घंटों का ट्रैकिंग के बाद हम लोगों को एक वाटर स्ट्रीम क्रॉस करना पड़ा एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज से।
लुक हियर। वो छोटा सा लकड़ी का पीस बहुत ही हिल रहा था और हम सब लोगों ने थोड़ा डर गए थे, मगर वहाँ का टीम का हेल्प के साथ हम लोगों ने वो वाटर स्ट्रीम को क्रॉस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बीन शेप का एक बहुत ही सुंदर सा और एक बहुत ही बड़ा सा गंगबल लेक को देखा और एक लेक था 11,500 फीट एल्टीट्यूड में। सभी 6 लेक्स में गंगबल लेक एक बहुत ही बड़ा लेक था। उसके बाद हम लोगों ने गंगबल कैंपसाइट को रीच कर लिया और वो कैंपसाइट था 11,500 फीट एल्टीट्यूड में। इस पूरा केजीएल ट्रैकिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, रात को 8 बजे तक दिन का लाइट रहता है। ये छोटा छोटा टेंट से हमारा टॉयलेट टेंट्स। इस तरीके से हम लोगों ने 5th डे में सतसर कैंपसाइट से गंगबल कैंपसाइट तक 6 आवर्स में 11 किलोमीटर चल के ट्रैकिंग कंप्लीट किया। उस दिन रात को हम लोगों ने केजीएल ट्रैकिंग कंप्लीट होने के वजह से हम लोगों ने डांस करके सेलिब्रेट किया और बहुत ही एंजॉय किया। ट्वेंटी सिक्स डे में हम लोगों ने रेस्ट डे कर लिया। 27th डे में हम लोगों ने लास्ट पैच और लास्ट 7th डे का ट्रैकिंग स्टार्ट किया। ऑन द वे में हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सा पाइन ट्रीज फॉरेस्ट को और माउंटेन्स को बहुत ही एंजॉय किया। नारानाग विलेज तक वो पूरा ट्रेल बहुत ही स्टीप और पूरा डिसेंट था। ये लास्ट डे का ट्रेल टोस और नीस के लिए बहुत ही खतरनाक था। हम लोगों को इस ट्रेल में बहुत ही संभाल के चलना पड़ा क्योंकि ये टेरेन बहुत ही कच्चा रास्ता था और बहुत ही पत्थरों से भरा हुआ था। कुछ घंटों का ट्रैकिंग के बाद हम लोगों को दूर से नारानाग विलेज का नज़ारा देखने के लिए मिला और ये विलेज था 8,500 फीट एल्टीट्यूड में। फाइनली हम लोगों ने ट्रैकिंग का लास्ट पॉइंट था नारानाग विलेज को रीच कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट डे गंगबल कैंपसाइट से नारानाग विलेज तक 7 आवर्स में 15 किलोमीटर चल के ट्रैकिंग कम्प्लीट किया। इस पूरा सा केजीएल ट्रैकिंग में हम लोगों के लिए मौसम एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अगर गडसर माउंटेन पास क्रॉस करने से पहले बारिश हो जाता है तो हम लोगों को ट्रैकिंग स्टॉप करके वापस आना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो जाता है तो गडसर माउंटेन पास को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मौसम खराब होने की वजह से और बारिश होने की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट केजीएल ट्रैकिंग मेरा कम्प्लीट नहीं कर पाया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने केजीएल ट्रैकिंग को सक्सेसफुली कम्प्लीट किया। इस तरीके से मैंने फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में 40 डेज का सोलो बाइक ट्रिप कंप्लीट किया। मेरा पूरा जम्मू एंड कश्मीर बाइक ट्रिप का एक्सपेंसेस था 1,10,000 रुपीज़। इसमें इंक्लूड है बाइक का फ्यूल, फूड और स्टे। तारसर मारसर ट्रैकिंग किया था 9,000 रुपीज़ पे करके लोकल ट्रैकिंग गाइड्स के साथ। अमरनाथ यात्रा के लिए मैंने 50,000 रुपीस खर्चा किया था, उसमें फ्लाइट चार्जेस भी इंक्लूड था और मैंने ये यात्रा किया था शंकरा ट्रैवल एजेंसी के साथ।
कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैकिंग के लिए मैंने खर्चा किया था 13,466 रुपीस, और ये ट्रैकिंग मैंने किया था एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक दी हिमालयस के साथ। मेरा स्पेशल थैंक्स है विकास भदौरिया के लिए, ये एक बाइकर है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और थैंक यू सो मच विकास फॉर द जम्मू एंड कश्मीर आइटिनरी के लिए। महेश बारिक, ये एक बाइकर है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। पुट्टा एक बाइकर है और ये बिलोंग करते हैं बेंगलुरु से, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। कमल जी और मनजीत जी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और एक बाइकर भी हैं, ये लोग बिलोंग करते हैं जम्मू से। कमल सिंह पुलिस हेड कांस्टेबल है, पटनी स्टॉप से बिलोंग करते हैं। फाइज एक ट्रैकिंग गाइड है और उसका खुद का गेस्ट हाउस भी है पहलगाम में, अगर आप चाहे तो यहाँ का नंबर्स यूज़ कर सकते हो। शफीक और मकबल, ये लोग ट्रैकिंग गाइड्स हैं, पहलगाम से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग चाहे तो ये नंबर यूज़ कर सकते हो। साजिद एक ट्रैकिंग गाइड है पहलगाम से, और आप चाहे तो इसका नंबर यूज़ कर सकते हो। बंटी जी कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैकिंग का ऑर्गेनाइज़र था TTH में, ट्रैक दी हिमालयस में। नवा प्रभात और संतोष, ये लोग कश्मीर ग्रेट लेक्स का ट्रैक लीडर्स थे और ये लोग थे ट्रैक दी हिमालयस TTH ग्रुप में। गणेश मेरा फ्रेंड और KGL ट्रैकर था बेंगलुरु से। मोहम्मद इकबाल एक ट्रैवल गाइड है और इसका खुद का ट्रैवल एजेंसी है कश्मीर में, अगर आप चाहे तो ये नंबर यूज़ कर सकते हो। प्रतिपाल सिंह, इसका खुद का मैकेनिक शॉप है मिस्टर मैकेनिक नाम से, ये है गाज़ियाबाद में, एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक मैकेनिक है नॉर्थ इंडिया में, अगर आप चाहे तो इसका नंबर यूज़ कर सकते हो। श्रीनगर में बजाज बाइक सर्विस सेंटर का मैनेजर ने मुझे बहुत ही हेल्प किया था। वंदना RV है, ये मेरी फ्रेंड है और US से है, इन्होंने मुझे आर्टिकल एडिटिंग में हेल्प किया था। सौम्या KM, ये मेरी फ्रेंड है और ये बेंगलुरु से बिलोंग करती है, इन्होंने हेल्प किया मुझे आर्टिकल एडिटिंग में। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर आउटस्टैंडिंग एंड टाइमली हेल्प। मैं सभी ट्रकर्स के लिए ये KGL ट्रकिंग रिकमेंड करती हूँ, आप सब लोग ज़रूर एक बार KGL ट्रकिंग कीजिए। दोस्तों, मैंने इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 7 लास्ट वीडियो में 7 डेज का कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैकिंग को बहुत ही एंजॉय किया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।